खरगोन जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के धुपा से भगोरिया हॉट से लौट रहे ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से दो की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। मृतक में एक मासूम बच्ची और महिला शामिल है। भगोरिया लोक पर्व के दौरान हुए हादसे से आदिवासी समाज में शोक छा गया। हादसे में 3 वर्षीय प्रतिमा और 35 वर्षीय रंगली बाई की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिसमें आधा दर्जन बच्चे महिला पुरुष शामिल है। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही एसपी धर्मराज मीना, खरगोन एसडीएम भास्कर गाचले सहित अधिकारी कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंच गए। भगोरिया पर्व के दौरान हादसे से हडकंप मच गया। जिला अस्पताल में सभी घायलों का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा, धूपा में आयोजित भगोरिया हॉट से ट्रैक्टर ट्राली वापस व अपने गांव रॉयल बेड़ा जा रही थी। इस दौरान धूपा में एक टनिक पर अनियंत्रित होकर पलट गई। सभी आदिवासी समाज के लोग भगोरिया पर्व को लेकर रॉयल बेड़ा से धूपा पहुंचे थे। एसपी धर्मराज मीना ने मीडिया को बताया कि चैनपुर थाने के धूपा में भगोरिया से लौट रहे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक बच्ची और एक महिला दो की मौत हो गई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है, उपचार किया जा रहा है। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट। आप मौके पहुंचे सर, क्या कहना चाहेंगे? आज चैनपुर थाना क्षेत्र की चौकी है हेला पड़ावा, वहाँ पे उसके पास में एक गांव है धूपा, भगोरिया हाट वहाँ चल रहा था और भगोरिया हाट से ये सभी वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण वासी है एक ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के जा रहे थे और जाते समय ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और उस पलटने की वजह से एक महिला की वहाँ मृत्यु हो गई है और उसके अलावा 11 घायल व्यक्तियों, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, उनको जिला अस्पताल प्राथमिक चिकित्सा के बाद रेफर किया गया था। अभी डॉक्टरों से बात की है और एक बच्ची जो छोटी है 3 या 4 साल की, उसकी भी डेथ हुई है। इस प्रकार से इस दुर्घटना में कुल 2, एक महिला और एक बच्ची की डेथ हुई है। बाकी शेष 10 घायल सुरक्षित हैं और डॉक्टरों का कहना है कि आउट ऑफ डेंजर है, उनका अच्छे से अच्छे इलाज कराया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से जो भी आवश्यक मदद है वो हम लोग प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी मेडिसिन की आवश्यकता है या ब्लड बैंक से कोई ब्लड की आवश्यकता है या अन्य प्रकार की कोई भी सहायता है तो पूरी प्रशासन की टीम यहाँ है, निश्चित रूप से हम लोग उस सहायता को प्रदान करेंगे। और उनके गांव से जो भी ग्रामीण वासी आए, हमने उनको भी आश्वस्त किया है कि जो भी जरूरी सहायता है हम निश्चित रूप से उनको प्रदान करेंगे। थैंक यू।